9 का विषय अर्थशास्त्र, जिसका हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे, संसाधन के हैं लोग। इससे पहले हमने ये पढ़ा मानव पूंजी में निवेश, यानी किस तरह से शिक्षा और कौशल के द्वारा हमने मानव पूंजी में क्या बना पढ़ा, शिक्षा और कौशल, क्या कौशल के द्वारा उसमें पूंजी निवेश, ये निवेश करके उसको गुणवत्ता। तो अब है जनसंख्या की गुणवत्ता, यानी किस तरह से जनसंख्या की गुणवत्ता है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता तीन चार चीजों पर निर्भर करती है। पहली तो है साक्षरता दर, प्रति हजार व्यक्तियों पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये साक्षरता दर है। जीवन प्रत्याशा अगर औसत उम्र क्या है, स्वास्थ्य किस तरह का, उनका स्वास्थ्य का स्तर है, क्या उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है या फिर वो अभी उस प्रक्रिया में है। और चौथी चीज है प्राप्त कौशल, क्या कौशल किस तरह से उनको स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर है, ये चार चीजें जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता ही अनंत देश की, ये सब तेरह चीजें मिलकर ही अनंत देश की क्या करते हैं, देश की समृद्धि दर का निर्धारण करते हैं, क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, देश की समृद्धि दर का निर्धारण करते हैं। और किसी भी राष्ट्र की, क्या किसी भी राष्ट्र या देश की है जो साक्षर जनसंख्या परिसंपत्ति होती है, परिसंपत्ति होती है, किसी भी देश की परिसंपत्ति उसकी जनसंख्या, क्या कैसी जनसंख्या, साक्षर और स्वच्छ जनसंख्या ही उसकी परिसंपत्ति होती है। तो अब आज हम इसमें पहले वाले स्तर में पढ़ेंगे शिक्षा, क्या पढ़ेंगे शिक्षा, क्या पढ़ेंगे शिक्षा। पहले वाले में जो परिसंपत्ति है उसमें शिक्षा वाला क्या है, शिक्षा किस तरह से है, तो पहला स्टेप हम पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में, क्या साक्षरता का पहला है। अब एक बात और भी है, साक्षर किसे कहते हैं, साक्षर किसे कहते हैं, साक्षर कहते हैं अक्षर ज्ञान को, उस वह व्यक्ति अपने राष्ट्र की लिपि किस तरह से पढ़ सकता है, क्या वो उसको समझ सकता है, लिख सकता है या पढ़ सकता है, किसी भी अगर लिपि को पढ़ना लिखना या समझने का ज्ञान ही साक्षर कहलाता है। तो साक्षर के आगे है शिक्षा, एक व्यवस्थित है जो शिक्षा को है, जो लिपि को शिक्षा को आरंभिक वर्षों में व्यक्ति के जीवन के आरंभिक वर्षों में वो जो शिक्षा अर्जित करता है, क्या करता है, शिक्षा अर्जित करता है, अर्जित करता है, आरंभिक वर्षों में जो व्यक्ति की शिक्षा अर्जित करता है, बाद में वह, बाद में वही शिक्षा उसको है जो नौकरी या रोजगार या वेतन के रूप में प्रतिफल के रूप में मिलता, प्रतिफल के रूप में मिलता। एक व्यक्ति की जो अपने आरंभिक वर्षों में शिक्षा पर जो समय देता है, शिक्षा के ऊपर जो अपना है जो मेहनत करता है, उसके बाद के वर्षों में उसको रोजगार के रूप में, नौकरी के रूप में या एक अच्छे वेतन के रूप में उस शिक्षा का प्रतिफल मिलता है। विकास के लिए
बताएं विकास के लिए शिक्षा शिक्षा महत्वपूर्ण है। क्या है? शिक्षा महत्वपूर्ण है। विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण है। इससे अब शिक्षा से क्या होता है? नए सिद्धि मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिद्धि प्राप्त होते हैं। आकांक्षाएं बढ़ती हैं, आकांक्षाएं बढ़ती हैं और जीवन मूल्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जीवन मूल्य मिलते हैं। एक व्यक्ति को शिक्षा से ये चीजें मिलती हैं। समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। क्या है? समाज के विकास के लिए भी शिक्षा महत्वपूर्ण है। क्या है? शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसी तरह शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के लिए भी आवश्यक है। इसी तरह हमारी सांस्कृतिक संप्रदाय, सांस्कृतिक संप्रदाय के लिए भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण है जो कार्य। और शिक्षा की वजह से ही प्रशासन की क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्षमता बढ़ती है। अगर चाहते हैं प्रशासनिक ढांचा सही चले तो उस समाज के लोगों को शिक्षित होना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में हमारे देश में कुछ चीजें की गई। क्या की गई? प्राथमिक शिक्षा के बारे में हमारे देश में कुछ चीजें की गई जिसको हमें पढ़ना जरूरी है। क्या है? जिसको पढ़ना जरूरी है। तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में सबसे पहली चीज तो यह है कि इसकी सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। क्या? सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभता से ये पहुंचे। प्राथमिक शिक्षा की लोगों के अंदर धारणा भी होनी चाहिए, अधिक नहीं तो कम से कम प्राथमिक शिक्षित को होना चाहिए। और इसको गुणवत्ता युक्त भी होना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? ऐसा प्रावधान हमारे देश में किया जा सकता है। इसमें अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए तब 2010 का है, 2009 में एक्ट बना और 10 में लागू, 2009 जिसको हम कहते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, RTE राइट टू एजुकेशन। इसी शिक्षा के साथ ही साथ हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा हेतु भी विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा हेतु विशेष ध्यान दिया गया है। क्या दिया गया? विशेष ध्यान दिया गया है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। क्या लिखे? स्थापना की गई है, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। और अनेक व्यावसायिक शिक्षा केंद्र, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र या शिक्षा विद्यालय खोले गए जिनको हम कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए। अब हम
यह पढ़ेंगे कि हमारे देश में शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और उनका क्या प्रतिशत और बजट प्रावधान क्या दर साक्षरता की है, हम राष्ट्रीय और राज्यवार भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।